हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग गैलेक्सी M11 में जैसे कि आपको न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट का फीचर मिल चुका है, एंड्रॉयड 11 का अपडेट मिल गया है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया, आपने वीडियो भी देखे होंगे। तो आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा कि आपको जो एंड्रॉयड 11 का अपडेट मिला है वो क्या मिला है, उसमें क्या क्या आपको फीचर मिलेगा। तो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको फीचर मिला है जिनके बारे में आप सोचे भी नहीं थे कि ऐसे ऐसे आपको फीचर मिलेंगे। तो आपको बहुत अच्छी अच्छी फीचर मिले हैं, तो आपको मैं ऐसे ऐसे फीचर बताऊंगा जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोचे हैं। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसे फीचर के बारे में बताऊंगा कि उसको देख के आप भी शौक हो जाएंगे। तो क्या क्या फीचर है, सारी चीज़ें आपको मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में जाके बताऊंगा, और किस तरीके से अपडेट करना चाहिए वो भी आपको मैं बताऊंगा। और साथ ही आपको मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपकी जो ये जो एंड्रॉयड 11 का 3.1 का जो अपडेट मिला है ये 1477 MB का मिला है। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा मतलब MB का है, तो आपके फ़ोन में इतना तो मिलता नहीं होगा डाटा, हाईएस्ट 1 GB या 1.5 GB मिलता है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, अगर आपके पास अगर कोई सा भी सिम है, चाहे जियो है, एयरटेल कुछ भी है, तो आपको क्या करना कि एक छोटा पैक रिचार्ज कराना। जैसे कि जियो में 11 रुपये का आप रिचार्ज करेंगे तो आपको 1 GB डाटा मिलता है। इससे आसानी से आप अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं और आपको नए नए फीचर मिल जाएंगे आपके फ़ोन में। तो आपको मैं यहाँ पे बताया तो आपको कैमरे में भी काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर मिल रहे हैं, उसके बाद मोबाइल में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर आके मैं आपको बताऊँगा एक एक करके कि क्या क्या आखिर आपको यहाँ पर नई फीचर मिले हैं। गाइस, आ चुके हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास हमारा M11 की स्क्रीन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, जैसे कि हम डायलर पेड में आएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ चेंज मिला है। तो यहाँ पे आपको क्या चेंज मिला है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने हमेशा बात की अपने कैमरे के ऊपर, तो उसके बारे में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप कुछ देख लीजिए यहाँ पर एक बार। तो हम क्या करते हैं, अपने आते सेटिंग में, तो आपको सेटिंग में आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर से यहाँ पे सारी चीज़ आपका चेंज हो चुका है। जैसे कि ये जो आपका ईमेल वगैरह ये सबसे ऊपर ही आप आ जाता है, आपका फ़ोन में जो भी आपने ईमेल से लॉगिन कर रखे वो चीज़ आपका आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे कनेक्शन में आप जैसे क्लिक करेंगे तो कनेक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका पहले का था सेम वैसा ही है, यहाँ पर कुछ आपका चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद बात करें साउंड एंड वाइब्रेशन में, यहाँ पर भी हम आ जाते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ का चेंजिंग मिला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन वाइब्रेशन पैटर्न इस जगह में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक चेंजिंग मिला। उसके बाद यहाँ पर वाइब्रेशन इसमें आएंगे तो यहाँ पे आपका क्या है कि टच की जो वाइब्रेशन है उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कंपन को मतलब हल्का या ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। उसके सिस्टम साउंड में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन में चाहे तो आप अपने सबसे ऊपर देख सकते हैं, टच साउंड में आप चाहे तो अपने टच को कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो आपका टच साउंड करेगा, स्क्रीन लॉक में आपको मालूम है, बाकी चार्जिंग में भी करेगा, डायलर पैड में और सैमसंग कीबोर्ड में, जैसे कि कीबोर्ड में आप कुछ भी लिखते हैं। उसके बाद बात करते हैं वाइब्रेशन की, आपको नई फीचर मिला जैसे कि टच को आप कहीं पर भी जैसे कि टप जैसे कि यहाँ से आप बैक करेंगे तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन होगा, डायलिंग कीपैड में भी वाइब्रेशन होगा, नेविगेशन जेस्टर में भी वाइब्रेशन होगा, चार्जिंग में भी वाइब्रेशन होगा। प्लस क्या है कि सैमसंग कीबोर्ड जो है आपका जहाँ पर आप टाइपिंग करते हैं वहाँ पर भी आपका वाइब्रेशन होगा, तो ये आपको फीचर मिला है। उसके बाद हम आ जाते हैं बैक, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको ब्राइटनेस में यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी अच्छी फीचर मिल चुका है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि यहाँ पे डार्क मिला है, लाइट मिला है, यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टर्न ऑन स्विच डल, इस तरीके से मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको फीचर मिला है। तो इतनी ज़्यादा फीचर मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपका जो भी मेन मेन फीचर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट में, सॉफ्टवेयर अपडेट में हम जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते, सॉफ्टवेयर अपडेट में हमें नहीं क्लिक करना क्योंकि मैंने अपडेट कर चुका है। तो आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपडेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि आता हूँ अपने अबाउट फोन में, यहाँ पे आएंगे हम सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन जो है एंड्रॉयड 3.1 का वर्जन हो चुका है, एंड्रॉयड 11 का अपडेट इसमें मिल चुका है। तो अभी हमारे फ़ोन में जबकि पहले लिखा हुआ रहा था एंड्रॉयड 10, तो अब एंड्रॉयड 11 आ रहा है, यहाँ पे 3.1 का अपडेट हो चुका है हमारा फ़ोन। तो हमारा ये तो क्या बात करते हैं कि हम इसमें नई फीचर क्या मिला है। तो हम जैसे कि सबसे पहले आते हैं अपने कैमरे में, कैमरे में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको पहले पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, अब डायरेक्ट आपका पोर्ट्रेट लिखा हुआ रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉपर तरीके से अब वर्क कर रहा है। जैसे देख सकते हैं कि इसको आप अगर 100% करेंगे, कहीं पर भी आप बाहर जाएंगे तो ये आपका पूरा प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, बिल्कुल आपका ये वर्क करेगा, तो इसको आपको करना है। उसके बाद बात करते हैं फोटो में, तो फोटो में आपका जैसा था नॉर्मली वैसा ही है। उसके बाद बात करते हैं मोड के ऑप्शन में, तो मोड में आपका जैसे था बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पे, लेकिन आपको प्लस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको एक पोर्ट्रेट मिलता है, फोटो वगैरह ये मिलता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आपको क्या क्या फीचर मिलता है ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको देख सकते हैं स्विप शूटर बटन 2, तो यहाँ पर आपका जैसे था वैसा ही है। बात करते हैं ऑटो HDR, तो ये भी आपका ऐसा ही था, लोकेशन वगैरह सही था। उसके बाद शूटिंग मेथड का ये भी आपका पहले से मिला हुआ था शायद,
तो उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे शूटर साउंड की थी ऑप्शन आपको नहीं था, अब मिल चुका है, और वाइब्रेशन फीडबैक का भी मिल चुका है। सेटिंग में हम आएंगे, यहाँ पे कैमरा मोड, सेल्फी एंगल और फिल्टर्स। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सेल्फी एंगल, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और यहाँ पे कैमरा मोड है, यहाँ पे भी इसको भी आप अगर ऑन कर देते हैं, ऑन करने के बाद क्या होगा मैं आपको बताऊँगा। तो आप जैसे कि आप जब भी अपने कैमरे में आएंगे, आप यहाँ पे जब वीडियो बनाएंगे तो आपकी वीडियो जो बनेगी काफ़ी अच्छी तरीके से बनेगी। जैसे कि इस तरीके से आप करेंगे तो आप कैमरे को जैसे भी ऐसे ऐसे करेंगे, कहीं पे भी आप बाहर जाकर वीडियो बनाएंगे तो आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी, मतलब वीडियो आपका कहीं पे भी ब्लर नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर, आसानी से कर सकते हो और जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद बात करते हैं इसके अगले कुछ और फीचर के बारे में। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि हम आते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद हम यहाँ पे करते हैं स्क्रीन को नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कि थीम्स का, थीम्स पहले नहीं मिल रहा था, अब डायरेक्टली आपका थीम्स सेटिंग में मिल जाता है। तो यहाँ पे आप किसी भी तरीके की थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने अपने फ़ोन को अभी फ्लाइट मोड में रखा है, तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। और थीम्स किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है उसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखा है, उन वीडियो को जाकर आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन का आपका पहले से ही था। उसके बाद यहाँ पे होम स्क्रीन भी आपको मिल जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या क्या फीचर है इनके बारे में मैंने पहले वीडियो बना रखा, तो इनको आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आपको ज़्यादा नई फीचर नहीं मिला है, मतलब बहुत कम फीचर मिला है। तो इनकी ये छोटे छोटे फीचर के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ये तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ आपको और मिलता है, रिमोट सपोर्ट। रिमोट सपोर्ट के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, जबकि ये पहले हाइडन था लेकिन अब ये बाहर कर दिया गया है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलता है, जैसे कि पहले आपका था डिवाइस केयर का। तो हम यहाँ पे एक बार डिवाइस केयर देख लेते हैं कि वहाँ पे हमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आपका बैटरी वगैरह तो था, वहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है बैटरी एंड डिवाइस केयर। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको बैटरी में आएंगे। तो हम आते पहले बैटरी में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता था कि फास्ट चार्जिंग का, तो ऑप्शन यहाँ से तो अभी है नहीं, तो यहाँ पे फिर भी मैं निकालूंगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं बैकग्राउंड यूसेज। तो यहाँ पे वही फीचर आपको मिलता है कि आपका कौन सा ऐप्स ज़्यादा बैकग्राउंड लेता है, तो इस तरीके से। उसके बाद मोर में आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन उसी तरीके से मिल रहा है जैसे पहले था। उसके बाद शो बैटरी, ये भी पहले था। उसके बाद एक्टिवेटेड बैटरी, ये क्या ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन ऑफ है, तो इसे हमें ऑफ ही रखना। आप उसके बाद बात करते हैं इसकी कुछ अच्छी जो फीचर है जिनकी हमें ज़रूरत था। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको बताया था कि आपको जब भी एंड्रॉयड 11 अपडेट मिलेगा तो आपको यहाँ पे वाटरमार्क का ऑप्शन ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपकी सैमसंग M11 ने आपको वाटरमार्क नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, हमें वाटरमार्क नहीं दिया, लेकिन इसकी जगह काफ़ी अच्छी अच्छी फीचर मिल चुका है। तो यहाँ पर क्या फीचर मिला है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि आपको एक बार स्क्रीन शॉट अपना दिखाता हूँ। मैंने स्क्रीन शॉट लिया था जब मैंने अपडेट किया था, तो मैं आपको एक बार स्क्रीन शॉट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ सैमसंग ने जब मैंने अपडेट किया था तो यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर मिला है, आप देख सकते हैं। न्यू इमेज कैटेगरीज हैव बीन एडेड, डायनेमेटिक लॉक स्क्रीन, मतलब कि लॉक स्क्रीन में भी आपको नई नई वहाँ पे आपको इमेज मिल चुका है। जैसे कि लॉक स्क्रीन में आपको जो फोटो वगैरह जो मिल रहा था वो आपका चेंजिंग हुआ है। उसके बाद ऑन द लॉक स्क्रीन यू कैन एंड वाइट चेक योर यूसेज टाइम, वहाँ पे आपका टाइम को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पहले कुछ और आता था फ्यूचर में, उसका लुक अब कुछ और आ रहा है। उसके बाद आपका यहाँ पर कॉल बैकग्राउंड, ये भी काफ़ी अच्छी आपकी फ्यूचर है कि आपके जो कॉल बैकग्राउंड है वो भी आपका चेंज हो चुका है। तो हम कॉल बैकग्राउंड को हम किस तरीके से करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। आता हूँ मैं अपने यहाँ पे डायलर पेज में, उसके बाद फ्री लाइन में हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम आते हैं अपने सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो मैं अपना फ्लाइट मोड से अपने सिम को हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे सेटिंग में आया तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कॉल बैकग्राउंड। तो कॉल बैकग्राउंड में हम जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे लेआउट और बैकग्राउंड, जैसे हम बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे वीडियो में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से चाहे तो हम वीडियो को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, किसी भी वीडियो को भी हम अपने बैकग्राउंड में रख सकते हैं, या फिर प्लस के आइकन में हम क्लिक करके यहाँ से हम चाहे तो अपनी गैलरी में जाकर के हम किसी भी फोटो को यहाँ से ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने कॉलर बैकग्राउंड में। तो ये काफ़ी अच्छी फीचर है आपके लिए, जबकि इस फीचर के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। हम अलग अलग तरीके के हम थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करके उसके बाद कॉलर बैकग्राउंड को चेंज करते थे, लेकिन अब आपको घबराने की बात नहीं है। आप चाहे तो अपने वीडियो को भी डायरेक्ट रख सकते हैं, या फिर अपने आप फोटो को आप यहाँ पर लगा सकते हैं अपनी कॉलर बैकग्राउंड में। तो ये काफ़ी अच्छी फीचर है।
उसके बाद बात करते हैं क्या कि हम अपनी स्क्रीन को जब भी यहाँ से हम नीचे करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पहले की जो नोटिफिकेशन जो लुक था वो कुछ और था और अभी कुछ और है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंजिंग हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पे डिवाइस में आएंगे तो आपका फ़ोन वगैरह आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मीडिया भी मिल जाता है, जैसे म्यूज़िक वगैरह का ये भी आपको मिल जाता है, तो ये पहले नहीं मिल रहा था, सैमसंग ने नहीं दिया था, अब दे चुका है, तो ये काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल चुका था। इसके अलावा अगर आपको अगर कोई भी फीचर मिलेगा तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, हो सकता है कि मेरे से कोई फीचर छूट गया है, अगर छूट भी गया तो मैं आपको ज़रूर अगली बार एक वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं काफ़ी जल्दी में बना रहा हूँ। तो छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसे लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।